पूरा गेम सोच का है, पूरा गेम प्रोग्रामिंग का है। कई बार बताता हूँ, एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी, वो कुछ है नहीं, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला, जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा? तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों? सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बड़ा सोच, सौरव गांगुली ने आते ही दुनिया में तेल का मचा दिया था, आया और ये शॉट दुनिया में खेल खेल के ये ड्राइव लगा लगा के लेफ्ट वाली हिला दिया, और शोएब अख्तर को पता चल गया पार्टी की कमजोरी क्या है। आते ही हमारी बार बार, इसके बाद सौरव गांगुली का आधा करियर ढीला। फिर यहाँ मेहनत की, फिर गांगुली ने यहाँ मेहनत की, फिर यहाँ तैयारी की, इस जगह मारता है, इस जगह मारता है। ये कमजोरी थी गांगुली, दूर कर ली, दूर कर ली। सचिन की जो कमजोरी थी उसको लोगों ने पकड़ लिया। जैसे पकड़ा, घंटों उस जगह पे मेहनत करना चालू और दूर कर ली, दूर कर ली, दूर कर ली। महान क्रिकेटर बना। आप अपनी जो कमजोरियां हैं उनको क्षमताओं में कन्वर्ट करो, उस क्षमता को और एक्सपर्ट होने में। हजारों बार समस्या ऐसी बापू बन के आएगी कि कई तो ऐसे आएंगी जो विकराल होंगी, लेकिन आपकी सालों की प्रैक्टिस। अच्छा, पूरे साल जो बच्चा पढ़ाई नहीं करे तो परीक्षा में क्या हाल होगा? पहले तो सुनो, जो पूरे साल पढ़ाई करे उसकी भी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में निकलेगा। पहले तो ये सुन लो आप कि पूरे साल जो तैयारी करे उसकी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में क्या होगा। तो उन कालियों का क्या होगा रे जो पूरे साल तैयारी नहीं करे, बताओ? तो समस्या से लड़ने की अगर पूरी जिंदगी तैयारी नहीं की तो कोई एक ऐसी आएगी आपका सूत्र साफ कर जाए। तभी तो कई बोल रहे थे साहब मरने का ही मन कर गया था, ये हो गया। अरे नहीं रे, तू तीन लोग का नाथ तेरे अंदर विराजमान है, तू मर के कहां जा रहा है? जीरो शुरू करेगा क्या वापस? कभी घबराना नहीं ऐसे। एक आदमी थे, एक लड़का था, एमए में फेल हो गया तो सुसाइड करने जा रहा था, तो नदी के पास कूदने वाला था, जितने में एक आदमी आके पूछा, क्यों क्या हुआ? मैं एमए में फेल हो गया, अब मैं मरूंगा। तो उसने बोला, तो फिर अब एलकेजी से दोबारा पढ़ेगा क्या? कि क्या मतलब कि तू मरेगा तो तू परमानेंट थोड़ी मरेगा, तू जन्मेगा भी तो सही, फिर से एलकेजी से जाए। और बारे में मैं दोबारा दे लूंगा, मैं एमए दोबारा पढ़ लूंगा, मेरा जीरो से नहीं पढ़ूंगा। लाइफ का एंड करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, दुखों से दुखी हो जाता है, फिर मरने जाता है, ये सोचता है दुखों से मुक्ति हो जाऊंगा। नहीं, अगले क्षण तेरा जो जन्म होगा, क्योंकि ध्यान रखना समाप्ति उत्पत्ति की पहले इशारा कर देती है, उसके एक सेकंड बाद जो होने वाला है वो इससे करोड़ गुना दुख में प्रकट होने वाले हो। कभी आत्महत्या का विचार मत करना, असली मर्द वो है जो दुनिया आ जाए चाहे। मरने का विचार कभी मत लाना, तुम जीत जाओगे इस दुनिया को एक दिन। ऐसा गंदा विचार कभी नहीं लाना, कभी नहीं लाना। नाक के ऊपर जब बात करते टाइम आप हाथ देते हो ना, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, दो प्रेसिडेंट थे जो चुनाव के प्रत्याशी थे, और दोनों चुनाव के प्रत्याशियों में बहस होती है अमेरिका में पहले, चुनाव से पहले। और एक व्यक्ति अपना प्रेसिडेंट का चुनाव सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि वो यूं हाथ लगा रहा था। जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जब अंदर कुछ कमी होती है, जब कुछ चीजें अधूरी होती है, तो ऑटोमेटिकली इंसान के नाक पे हाथ जाता है, और जब जब नाक पे हाथ जाता है बात करते टाइम, ये बॉडी लैंग्वेज सामने वाला नोट करता है, मत करो ऐसा। नाक पर उस बहस का कोई अंत नहीं, उस बहस का कोई कोना नहीं, उसके कोई छोर नहीं, और आप ऐसी बहस भी जीतना चाह रहे हो, अभी अहंकार से पूरे भरे हुए हो। बॉर्डर पे तो वो लड़ रहे हैं भारत पाकिस्तान, संसद में लड़ रही है पार्टियां, और ये घर में लड़ रहे हैं। तू कांग्रेस ही, मैं बीजेपी, तू आप, मैं ये, साला तेरे को जीत के रहूंगा मैं। अरे तू, तेरा टिकट कौन सा है? तेरा चिन्ह कौन सा है? तेरे, तुम क्यों लड़ रहे हो? नहीं सुन, अगर वो बहस जीतना चाह रहे हो जिसका कोई छोर नहीं है, अभी तक तो बाकी है।